कमाई से ज्यादा खर्चा है, या अगर आप लड़की के पीछे अपनी वाइफ होते हुए भी अगर औरत के पीछे लड़की के पीछे पैसा बर्बाद कर रहे हैं, या अगर आप विदेश जाके भी वहां पर पैसा को संचित नहीं कर पा रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छे तरह से चल रहा है लेकिन व्यर्थ कामों में अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो आप जरूर देखिए कि आपका शुक्र किस घर में बैठा हुआ है। आज हम बात करते हैं कि शुक्र अगर 12वें घर में बैठा हुआ है तो हमें क्या रिजल्ट लेकर देता है। दोस्तों, यहाँ पे शुक्र ज्यादातर अशुभ ही रिजल्ट देता है। सबसे पहले अगर शुक्र 12वें घर में है तो पैसा कमाई से ज्यादा खर्चा करवा देगा, और वो भी जो खर्चा करवाएगा वो सही जगह पे नहीं खर्चा करवाएगा, वो खर्चा वहां करवा देगा जहां पे वो खर्च करना ही नहीं था। दूसरा चीज ये है कि अगर आपको विपरीत लिंग के प्रति, आप अगर लड़का है तो लड़की के प्रति, लड़की है तो लड़का के प्रति अगर आकर्षण ज्यादा होता है, तो ये शुक्र 12वें घर का शुक्र आदमी को लेके देता है। उसके बाद गुप्त रोग की जो प्रॉब्लम्स होती है वो 12वें घर का शुक्र आदमी को लेकर देता है। पानी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे वाटर से भी रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करके वहां पे शुक्र लेकर देता है। उसके बाद अगर सपोज कीजिए कि अगर आप ये देखते होंगे कि कोई लड़की ने किसी लड़के को बेवजह फंसा दिया, या कोई लड़का ने किसी लड़की को अगर बेवजह फंसा दिया, तो यहाँ पे शुक्र वहां उसका बहुत बड़ा योगदान वहां पे होता है। लेकिन यहीं पे अगर शुक्र यहाँ पे है, राहु अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, सप्तम घर का राहु पैसे कौड़ी में तो अच्छा काम करता है लेकिन वो वहां से निकल सकता है, ये गारंटी के साथ बता सकते हैं अगर शुक्र छठे घर में बैठा हुआ है तो, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है यहाँ पे छठे घर पे पड़ता है। यहाँ का जो शुक्र है वो आपको नाजायज रिश्ता, जो मैंने आपको बताया विपरीत लिंग के प्रति, वो नाजायज रिश्ता भी देता है। उसके बाद काला धन भी वहां का शुक्र आदमी को लेकर देता है, अच्छा काला धन लेके देता है अगर शुक्र अगर आपका 12वें घर में बैठा हुआ है तो। भौतिक सुख सुविधा में आपको कमी करेगी, भौतिक सुख सुविधा आपको होने नहीं देगा वहां का शुक्र। अब देखिए कि यहाँ पे तो संयोग से 12 नंबर के साथ में बैठा हुआ है, तो 12 नंबर के साथ में शुक्र को तो आपको पता है कि वो उच्च माना जाता है, 6 नंबर के साथ में जो शुक्र है वो नीच माना जाता है। अष्ट की जो फॉर्मूला है वो हम फॉर्मूला वीडियो दिए हुए हैं, आप अष्ट की फॉर्मूला से ये भी देख सकते हैं कि हमारा शुक्र अष्ट है या नहीं है। अगर अष्ट है तो उसका जरूर उपाय कीजिए, चाहे शुक्र का जाप करवाए, चाहे वो वैदिक मंत्र से हो या तांत्रिक मंत्र से हो, आप उसका जाप करवा के उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर शुक्र 12वें घर में किसी भी व्यक्ति का बैठा हुआ है तो एक जबरदस्त फायदा ये होता है कि ये रूल्स है कि शुक्र जहां भी बैठेगा उसके अपने अगले वाले घर को वो मजबूत कर देगा, ये शुक्र की सबसे बड़ी खासियत होती है। तो शुक्र यहाँ पे बैठ के सबसे अच्छा ये करता है कि लग्न को ये मजबूत कर देता है। सपोज कीजिए कि किसी आदमी का वृषभ लग्न की ही कुंडली है या तुला लग्न की कुंडली है और शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है तो अगले घर को वो मजबूत कर देगा। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका शुक्र बैठा हुआ है, अष्टम घर में शुक्र बैठा हुआ है, तो ये नवम घर को ये मजबूत कर देगा। लग्न किसी भी घर का है, अगर 1 नंबर का है और यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है तो ये बहुत भाग्यशाली माना जाएगा व्यक्ति, लेकिन जय भाग्यशाली मानेगा। और यहाँ पे अगर शुक्र बैठा है, यहाँ की शुक्र जो रिजल्ट हमने आपको बताया है वही लेके देगा, लेकिन लग्न को इतना मजबूत कर देगा कि उसकी रिजल्ट में अगर खराब रिजल्ट दे रहा है तो उस रिजल्ट में उसको कमी आएगा। तो यहाँ का शुक्र अगर सपोज कीजिए कि किसी का 1 नंबर में, 1 नंबर यहाँ पे है और मंगल इसका शायद इस घर में या इसी घर में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो वो लग्न को भी मजबूत कर देगा। तो उस स्थिति में यहाँ पे शुक्र का जो है रिजल्ट कम आ सकता है, यानी कि उसका जो फल है वो कम आएगा। ये चीज हमें देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम कुंडली देखते हैं तो वहां पे बहुत कुछ समझना पड़ता है, क्योंकि एक घर से हम वो चीज को क्लियरफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑफर वाला जो हम ये सीरीज आप लोगों को दे रहे हैं वो सिर्फ 12 घर के बारे में ही सीरीज दे रहे हैं कि 12 घर में अगर आपका शुक्र बैठा हुआ है तो आपको क्या रिजल्ट लेकर देगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, नमोलॉजी, पामिस्ट्री कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 100% इस पर कोर्स में आपको वहां पे आके लाइव
कस्टमर के साथ में कैसे डील किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम को कैसे समझा जाता है, ये सब चीज आपको बताया जाएगा। हम मिलते हैं एक निश्चित। दोस्तों, अगर आप नोमोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 60 वीडियो मिलेंगे।